हैदराबाद नामपल्ली पुलिस ने कुछ दिन पहले हुई एक घर में चोरी का खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने 2500 रुपए नगद, हजारों रुपए के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। आज नामपल्ली पुलिस थाने के SHO संजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। साथ ही नामपल्ली के इंस्पेक्टर ने बताया, इस शातिर अपराधी के पकड़े जाने के बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस शातिर अपराधी से पुलिस की पूछताछ में इसे कोई और चोरी की घटना में शामिल होने की बात कही गई। इस शातिर चोर ने हैदराबाद के अलग अलग इलाकों में चोरी की वारदाताओं को अंजाम दिया है। नामपल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शेख जाफर अपने फैमिली के साथ ला करके एक शादी अटेंड करने के वास्ते जाके फिर रात 12:30 बजे रिटर्न आया। आए तक उसका मेन डोर ओपन था और अंदर जा देखे तो पूरा दो बीरवास भी दो अलमारा भी ओपन था। उसमें से 1.5 तुलास गोल्ड नेकलेस 30,000 रुपीज़ और एक पेयर ऑफ सिल्वर एंकलेट्स चले गए बोलकर हमारा कंप्लेंट दिए। इमीडिएटली हम लोग वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद तहकीकात करे, तहकीकात करके हम आजू बाजू वाले से बात कर लेके वो करके लास्टली एक बंदे के ऊपर हमारा शेख था, एक शेख रहीम बोलकर, शेख रहीम अली एक गंगावती की नेटिव है, ये शेख जाफर का रिलेटिव भी होता है, दूर से रिश्तेदार भी होता। उसके ऊपर हमारा शेख आया, हम उसको लेके आके इंट्रोगेशन करने के बाद वो कबूल लिया। अब इसके साथ ये भी नहीं, दूसरा केस भी हमारा वो इससे यूसुफिन दरगाह के पहले सामने हुआ था, बोला था नामपल्ली लिमिट्स में, वो भी कबूल लिया। कबूल लेने के बाद ये शेख रहीम अली ये बाजारघाट में रहता है, ये बाजारघाट क्रॉस रोड्स में गंगावती की नेटिव है, 37 ईयर्स। एक्चुअली ये इससे पहले सैफाबाद पुलिस स्टेशन लिमिट्स में 5 ऑफेंसेस करे, गंगावती में 4 ऑफेंसेस करे और जेलचले में 1 ऑफेंस करे, पकड़ में आया और 7 ईयर्स कन्विक्शन भी गंगावती कर्नाटका में इसके हुआ था। बाद में हैदराबाद आ गया, आके पेंटिंग वर्क काम कर रहे, मगर पेंटिंग से उसका गुजर रहा नहीं था, इसलिए कहाँ चांस मिले तो वहाँ ऑफेंसेस कर रहा। एक्चुअली इस शेख जाकर उस जाफर के घर पे एक हफ्ते पहले ही एक्चुअली ऑफेंस करने के वास्ते कोशिश करे, मगर वो टाइम पे वो लोग जल्दी आने से नहीं हुआ। उसका ताला का चाबी कभी लेके रख लिया है, रख ले के वो लोग हाँ मैरिज जाते के वास्ते ऑटो छेड़ते ही अंदर जाके वो निकाल के लेके गया। हमारा क्राइम टीम राजू और नरेंद्र एंड वो टीम बहुत इसमें बहुत ट्रेमेंडस वर्क करा। तो मतलब तो इतना। हैदराबाद से मोहम्मद हामिद की रिपोर्ट।